तो अभी नेक्स्ट केस करते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर एनुलर डिस्क, ये है वो सेमी सर्कुलर एनुलर डिस्क, ये उसकी बाउंड्रीज, ओ है एनुलर डिस्क का सेंटर, आर वन इज इंटरनल रेडियस, आर टू इज एक्सटर्नल रेडियस, हमको चाहिए इस एनुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास। तो स्टेप वन क्या होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको चूज करना पड़ेगा या कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स करना पड़ेगा। तो एनुलर डिस्क के सेंटर को हम बना लेते हैं ओरिजिन, इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ड्यू टू सिमेट्री एक्स सी एम जीरो हो जाएगा, क्योंकि एनुलर डिस्क में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाई से सिमेट्रिक है, जैसा है वो राइट हैंड साइड में वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में है, तो एक्स सी एम हमको फाइंड नहीं करना पड़ेगा, एक्स सी एम इज जीरो। सिमिलरली जेड सी एम भी जीरो होगा, क्योंकि ये एनुलर डिस्क है एक्स वाई प्लेन में, प्लेनर बॉडी है, तो जेड सी एम भी जीरो हो जाएगा, हमको सिर्फ फाइंड करना है वाई सी एम, मतलब ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा, एक एलिमेंट चूज करेंगे उसका मास फाइंड करेंगे डी एम, फिर उसका वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे और न्यूमरेटर में डी एम वाई को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स, और डिनोमिनेटर में डी एम को इंटीग्रेट करेंगे, इस तरह हमको मिलेगा वाई सी एम। तो सबसे पहले एलिमेंट चूज करना है, तो मैंने यहाँ ब्लू से दिखाया हुआ है ये एक रिंग, स्मॉल आर रेडियस और डी आर थिकनेस का, इसको हम एलिमेंट सपोज करेंगे, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास हमको मालूम है, और आप देख रहे हैं कि इसी तरह की रिंग्स आर वन से आर टू तक सपोज की जा सकती हैं, मतलब हम ये मान सकते हैं कि एनुलर डिस्क इन रिंग्स से मिलकर बनी हुई है, तो आर वन से आर टू ये हो जाएंगी लिमिट्स, ताकि वो पूरी बॉडी कवर हो जाए। तो ये हमने एलिमेंट चूज किया, हमारा एलिमेंट है क्या, तो हमारा एलिमेंट है सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, ये हमारा एलिमेंट सेमी सर्कुलर रिंग, कैसी, स्मॉल आर रेडियस की और डी आर थिकनेस की, तो इसका मास हमको चाहिए होगा वही होगा डी एम, तो डी एम कैसे आएगा, तो डी एम हमको निकालना है, तो इसका पहले निकालें एरिया इस सेमी सर्कुलर रिंग का, तो पाई आर इंटू डी आर, ये हुआ एरिया, और सपोज कर लेंगे कि सरफेस मास डेंसिटी है सिग्मा, मतलब मास पर यूनिट एरिया, ये मानते हुए कि ये मास होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पाई आर ये लेंथ इंटू थिकनेस डी आर टाइम्स सिग्मा, ये आया हमारे पास में डी एम का वैल्यू, और ये जो एलिमेंट है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए ये हमको याद आना चाहिए कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 0.2r बाय पाई, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, ये जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा 0 एक्स कोऑर्डिनेट और 2 स्मॉल r बाय पाई, क्योंकि रेडियस सेमी सर्कुलर रिंग की स्मॉल r है, तो ये हुआ y कोऑर्डिनेट उस सेमी सर्कुलर रिंग या उस एलिमेंट का, और अब सीधे फॉर्मूला हमको ये लगा देना है वाई सी एम इज इक्वल टू ऊपर इंटीग्रेट क्या होता है डी एम वाई, डी एम ये है पाई आर सिग्मा डी आर, और इसमें वाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब टू स्मॉल आर अपॉन पाई, ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इंटीग्रेट होगा पाई आर सिग्मा डी आर, पाई आर सिग्मा डी आर। अब लिमिट्स क्या होंगी, तो जैसा हमने पहले कहा था कि इस तरह की रिंग्स R1 से R2 तक डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, फैली हुई हैं, तो R1 से R2 की लिमिट्स में हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तब इसको आगे सॉल्व करें तो पाई तो यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, ये जो सिग्मा है ये क्योंकि कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर आएगा, इधर से भी बाहर आकर कैंसिल कर सकते हैं उसको हम, तो अब न्यूमरेटर में बचता क्या है 2R स्क्वायर dr, 2 स्मॉल r स्क्वायर dr और लिमिट्स r1 से r2 और नीचे पाई r dr और लिमिट्स r1 से r2। आगे इसको सॉल्व करें, यहां सॉल्व करता हूं मैं वाई सी एम इज इक्वल टू क्या करना होगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर dr होगा r स्क्वायर dr, r क्यूब बाई 3, r क्यूब्ड बाय 3, और यहां लिखेंगे हम लिमिट्स r1 से r2, और डिनोमिनेटर में पाई बाहर होगा r dr जो होगा r स्क्वायर बाय 2, एंड लिमिट्स आर r1 टू r2,
अब लिमिट्स पुट कर लेते हैं, तो 2 यहां क्या आएगा, R2 cubed माइनस R1 cube अपॉन 3. 3 को आप बाहर भी लिख सकते थे, यहां लिख दिया मैंने 3. अब नीचे पाए और अब यहां लिमिट्स पुट करेंगे, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा होगा. अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला. a क्यूब्ड माइनस b क्यूब डज a माइनस b, ये आती है एक टर्म, और दूसरा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये मालूम होना चाहिए. बस इससे हमको इसको ओपन कर लेना है. तो 2/3, इसको मैं अलग लिख लेता हूं, 2/3, और यहां है पाई बाय टू, तो ये 2 ऊपर और पाई नीचे, पाई बाय 2 का रेसिप्रोकल मैंने यहां पर लिख दिया है. अब न्यूमरेटर में क्या है, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, इसको हम ओपन कर देते हैं. क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं R2 माइनस R1 टाइम्स. अब ऑर्डर कुछ भी लग सकते हैं, चाहे तो लिख लें R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ऐसा लिख लिया. और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, मतलब ही R2 प्लस R1, और एक आएगा R2 माइनस R1. तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, और इधर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो देख लेते हैं. यहां मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं, तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 4 टाइम्स दिस मच अपॉन 3 बाय R2 प्लस R1, यही फाइनल आंसर होगा. तो 4 टाइम्स क्या लिखें, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 3 बाय R2 प्लस R1, और ये है YCM उस एनुलर डिस्क का जिसके इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई R1 एंड R2 है. तो अब ये नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना. लैमिना मतलब प्लेन शीट यानी प्लेनर बॉडी. अभी उसका शेप है ट्रायंगुलर. हम पहले बात करेंगे किसी आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास, उसके बाद बात करेंगे किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर लैमिना के सेंटर ऑफ मास की. इसके पहले हमने डेरिवेशन जो किया उसमें हमने बात की थी सेमी सर्कुलर एनुलर डिस्क की. उसका शेप आपको याद रखना है, इंटरनल रेडियस यदि R1 हो, एक्सटर्नल यदि R2 हो, XCM ZCM तो 0 होता है क्योंकि वो भी एक प्लेनर बॉडी है. और YCM कितना होता है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है 4 टाइम्स ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 अपॉन 3 पाई इंटू R2 प्लस R1. बल्कि ये सभी फॉर्मूले अब आपको याद रखने हैं, इनकी लिस्ट आप बनाते जाइए. तो अभी हम बात कर रहे हैं किसी ट्रायंगुलर लैमिना की जो आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसका बेस है बी, हाइट है एच. इसका चाहिए हमको सेंटर ऑफ मास. तो स्टेप वन क्या होगी, रेफरेंस फ्रेम. तो ये हमारा रेफरेंस फ्रेम है, ये उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ओ इस ट्रायंगल के लिए मीडियन भी है, मतलब इस वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया हुआ है, तो ये मीडियन है. और हमेशा के लिए याद रखें किसी ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, वेयर मीडियंस मीट. तो इसी लाइन पर होगा सेंटर ऑफ मास. वैसे भी आप देख रहे हैं कि ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है इस ट्रायंगुलर लेमिना में वो वाई से सिमेट्रिक है, और इसलिए एक्स सी एम 0 होगा, वो हमको फाइंड नहीं करना है. जेड सी एम भी 0 होगा क्योंकि प्लेनर बॉडी है, हमको चाहिए सिर्फ वाई सी एम. और वाई सी एम निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए हमको पहले एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा. तो हमने कंसिडर किया एल लेंथ और डी वाई थिकनेस का एक एलिमेंट जो मैंने ब्लू से दिखाया हुआ है, और एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहेंगे हमको, क्योंकि मतलब है सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट से, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वाई. ऐसा एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, तो इस एलिमेंट का मास कितना होगा, मतलब डी एम. डी एम के लिए लेंथ इंटू थिकनेस एल डी वाई, ये उसका एरिया हुआ,
और यदि सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है तो इनटू सिग्मा कर देंगे, तो ये हुआ dm, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। और इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास होगा, उसको मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट 0 और उसका y कोऑर्डिनेट है y, तो ये फॉर्मूला जब इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा dm और ये होगा y, और इसे इंटीग्रेट करेंगे किन लिमिट्स के बीच, तो इस तरह के एलिमेंट्स आप देख रहे हैं 0 से कैपिटल h तक फैले हुए हैं, तो 0 से कैपिटल h की लिमिट्स में यदि इस एलिमेंट को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको मतलब पूरी बॉडी कवर हो जाएगी। तो YCM कितना लिखूं अब मैं, YCM न्यूमरेटर में आएगा इंटीग्रल dm मतलब l dy सिग्मा टाइम्स y, ये आएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा l सिग्मा, लिख लेता हूं पहले मैं सिग्मा dy। लिमिट्स क्या लगाएंगे, 0 से कैपिटल h जो उस ट्रायंगुलर लैमिना की हाइट है। अब इसे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान से देखें, सिग्मा तो कांस्टेंट है, होमोजेनियसली फैला हुआ है मास, सिग्मा इस इंटीग्रल में से बाहर आएगा बीइंग कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर से भी, तो उसको तो आप हटा ही सकते हैं, आगे कभी सॉल्व करें तो सिग्मा को आप छोड़ भी सकते हैं, पर यहां पर क्या होगा, अब एल और वाई ये दोनों ही वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, और हमको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम चाहेंगे कि l नोन क्वांटिटीज और y की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, और उसके लिए क्या सोचेंगे कि ये ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल ये कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं, और सिमेट्री से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं छोटे ट्रायंगल का बेस मतलब स्मॉल l अपॉन बड़े ट्रायंगल का बेस b, तो L और B में से B तो नोन है, इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की हाइट, वो कितनी होगी, ये Y कोऑर्डिनेट हमने सपोज किया है तो ये लेंथ है Y, ये है H, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा H माइनस Y के बराबर, तो H माइनस Y ये छोटे ट्रायंगल का हाइट अपॉन बड़े ट्रायंगल की हाइट, वो कैपिटल H हो जाएगी, और यहां से हमको मिल जाएगा L का वैल्यू जो यहां हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो L बराबर कितना होगा, L इक्वल्स टू H से इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 1 माइनस Y बाई H टाइम्स B, ये सब्स्टिट्यूशन हमको यहां पर करना पड़ेगा, उससे क्या होगा एक ही वेरिएबल बचेगा, क्योंकि L को यदि हम वाई एच बी की टर्म्स में लिखेंगे तो इसमें से H और B ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं गिवन है, Y ही सिर्फ वेरिएबल रह जाएगा। अब इसको यहां सब्स्टिट्यूट करके और सॉल्व करेंगे तो YCM इक्वल्स टू न्यूमरेटर में L की जगह ये आएगा, तो Y ऑलरेडी है वहां, तो BY का इन दोनों में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो BY DY आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसको स्प्लिट भी कर दिया मैंने साथ साथ में, फिर क्या लिखूं मैं, फिर मुझे लिखना है मैं क्या कर रहा हूं, L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं और BY का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी Y BY अपॉन एच इंटू डी वाई, ऐसा लिखना पड़ेगा, और यहां लगा देता हूं मैं लिमिट्स, मैंने स्प्लिट कर दिया है दोनों टर्म्स को, जीरो से एच और ये भी जीरो से एच, स्टेप्स बचाने के लिए ऐसा किया है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अब यहां पर एल की जगह ये पुट करेंगे तो क्या लिखता हूं मैं, बी डी वाई माइनस वाई बी बाई एच डी वाई, और लिमिट्स 0 टू h यहां पर और यहां भी 0 टू h। अब आगे सॉल्विंग करें तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, मैं लिखूंगा यहां पर न्यूमरेटर में क्या होगा, b तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, y dy y स्क्वायर बाय 2 होगा, लिमिट्स डालने पर वो जाएगा b कैपिटल h स्क्वायर बाय 2, ये न्यूमरेटर में, यहां क्या होगा, यहां b बाई h बाहर आएगा, b बाई h बाहर कॉन्स्टेंट है इसलिए y स्क्वायर डी वाई वाई थ्री बाई थ्री यानी h क्यूब्ड बाई 3 ऐसा लिखना पड़ेगा इसको। डिनोमिनेटर में यह है b डी वाई, तो b h हो गया ये सॉल्व होने के बाद, माइनस यहां पर b बाई एच बाहर y डी वाई वाई स्क्वायर बाई 2 यानी h स्क्वायर बाय 2, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आगे इसको सॉल्व करें तो आप देख रहे हैं कि b तो कांस्टेंट है कॉमन आएगा, तो हम यहां सब जगह से इसको हटा सकते हैं,
उसके अलावा फिर ये एक एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एच इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर और ये हट गया यहाँ से, फिर ये एच भी हट गया तो ये एच माइनस एच बाई टू रह गया। तो एच माइनस एच बाई टू डिनोमिनेटर में तो वो एच बाई टू रहा और न्यूमरेटर में एच स्क्वायर बाहर कर लेते हैं। एच स्क्वायर बाहर करेंगे तो अंदर क्या बचता है, वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, वन बाई टू माइनस वन बाय थ्री। अब यहां लिख देता हूं मैं फाइनल आंसर वाई सी एम, तो क्या होगा यहां एलसीएम आएगा सिक्स, सिक्स आएगा एलसीएम, तो यहां लिखा है मैंने एच स्क्वायर एलसीएम है सिक्स, फिर टू से डिवाइड करेंगे तो थ्री माइनस टू यानी वन, यानी इसको डायरेक्ट एच स्क्वायर बाय सिक्स लिख लेते हैं और ये एच बाई टू रेसिप्रोकेट होके टू बाई एच हुआ, एक एच कैंसिल होकर ये हो गया एच बाय थ्री। यानी सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेटेड होगा इस आइसोसेलिस या इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लैमिना का, यहाँ से ये क्या है मिड पॉइंट है साइड का, यहाँ से एच बाय थ्री पर। ये टोटल हाइट इसकी कितनी है एच, इसके तीन इक्वल पार्ट्स करें, तीन इक्वल पार्ट्स करें तो वन थर्ड पे होगा, ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ये होगा इस ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास, ये होगा 2h by 3 और ये होगा h by 3। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी हम लगा सकते हैं, एक्स सी एम जेड सी एम ये दोनों जीरो रहेंगे, वाई सी एम होगा h by 3। अब यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए इस मीडियन की यानी कैपिटल एच की वैल्यू कितनी होती है, यदि साइड ए है, ध्यान से आपने सुना इक्विलेटरल ट्रायंगल है साइड ए है तो ऑल्टीट्यूड कितना होता है, तो ये ए बाई टू है, ये ए है तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर, थ्री ए स्क्वायर बाय फोर यानी ए रूट थ्री बाई टू, ए रूट थ्री बाय टू। अब हमने साइड ए सपोज कर ली है तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा ए रूट थ्री बाई टू, ये एच बाई थ्री करना है मुझे, यानी यहां भी थ्री आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाल रहा हूं मैं, तो ये कितना होगा, ये होगा ए अपॉन टू रूट थ्री के बराबर। तो ये वही है, क्या है ये, ये है मीडियन जहां इंटरसेक्ट होते हैं जिसको सेंट्रॉइड भी कहते हैं, तो सेंट्रॉइड पर होगा किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास ए बाय टू रूट थ्री, और ये कितना होगा, ये होगा ए अपॉन रूट थ्री के बराबर। तो आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे सेंटर ऑफ मास किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर लैमिना का। तो अभी हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड किया किसी ट्रायंगुलर लैमिना का, और ये ट्रायंगुलर लैमिना कैसा था, आइसोसेलिस या इक्विलेटरल, जिसका बेस था बी हाइट एच, तो एक्स सी एम और जेड सी एम तो जीरो होते हैं, वाई सी एम की वैल्यू कितनी आई थी एच बाई थ्री फ्रॉम द बेस, एच बाई थ्री तो वर्टेक्स से ये डिस्टेंस कितनी होगी टू एच बाई थ्री। तो ये था ट्रायंगुलर लैमिना जो आइसोसेलिस या इक्विलेटरल था। अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर लैमिना, यह है वो राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर लैमिना, ये राइट एंगल, ये साइड है बी और ये साइड है ए, हमको चाहिए सेंटर ऑफ मास इस राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर लैमिना का। तो एक्स सी एम वाई सी एम दोनों नॉन जीरो होंगे तो वन बाई वन दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। अभी हम पहले फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स सी एम, और उसके लिए किया क्या, तो ये हमारा रेफरेंस फ्रेम, इस वर्टेक्स को हमने ओरिजिन बनाया, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, तो हम क्या करेंगे एल लेंथ और डी एक्स थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ये ब्लू से दिखाया हुआ वो है एलिमेंट, एल लेंथ डी एक्स थिकनेस का, और इस एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट हम एक्स सपोज कर लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट हम निकालने जा रहे हैं एक्स सी एम, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हमको चाहिए होगा डी एम मतलब इस एलिमेंट का मास, एलिमेंट का मास कैसे आएगा डी एम, तो लेंथ कितनी है एल, थिकनेस है डी एक्स, तो एल डी एक्स ये हुआ एरिया, और सपोज कर लेंगे कि सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है और वो होमोजीनियस है, तो इनटू सिग्मा किया तो ये आया डी एम, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स, तो ये डी एम, और जो एलिमेंट है उसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट हमको चाहिए होगा यहाँ, तब एक्स सी एम निकालते हैं, एक्स सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल
एलिमेंट्री मास मतलब सिग्मा एल डी एक्स ये लिखेंगे और उसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इनटू एक्स कर देते हैं, तो इसको लिख देता हूं मैं एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा इंटीग्रल सिग्मा एल डी एक्स। लिमिट्स क्या होंगी, तो इस तरह के एलिमेंट जीरो से ए तक डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसी तरह के एलिमेंट्स, तो जीरो से ए की लिमिट्स में हमको इसे इंटीग्रेट करना है, जीरो से ए की लिमिट्स में। अब क्या करेंगे, अब ये सिग्मा तो कांस्टेंट है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीग्रल से वो बाहर आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एल एक्स डी एक्स और नीचे है एल डी एक्स, इस एल को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, और एल को एलिमिनेट करने के लिए इस छोटे ट्रायंगल पर ध्यान दें और इस बड़े ट्रायंगल पर, तो ये दोनों हैं कैसे सिमेट्रिक, दोनों ट्रायंगल्स हैं सिमेट्रिक यानी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, और यदि साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो हम लिख सकते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं सिमेट्री से छोटे ट्रायंगल की लेंथ अपॉन बड़े ट्रायंगल की ये लेंथ मतलब ही बी इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का बेस यानी एक्स और बड़े ट्रायंगल का बेस ए, और यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एल की, एल इक्वल टू होगा बी एक्स बाई ए और उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो एल की जगह क्या पुट करेंगे, यहीं पर कर देता हूं मैं बी एक्स बाई ए, बी एक्स बाई ए तो ये एक्स इसमें मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां भी हम लिख देते हैं बी एक्स बाई ए। अब बी और ए ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये बाहर आएंगे इंटीग्रल से और कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बी बाई ए ये कैंसिल आउट हुआ, ये बी अपॉन ए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना होगा एक्स थ्री बाई थ्री यानी ए क्यूब बाई थ्री, ये आएगा न्यूमरेटर में, नीचे एक्स स्क्वायर बाई टू यानी ए स्क्वायर बाई टू और वो रेसिप्रोकेट होकर क्या हो जाएगा टू बाई ए स्क्वायर, टू बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ऊपर सिर्फ एक ए बचेगा कैंसिल होने के बाद, तो आ गया टू ए बाय थ्री, टू ए बाय थ्री, ए ये साइड थी यानी उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का इस राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर लेमिना के लिए वो होगा 2a बाय 3। तो अब आगे के लिए हम याद रख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगुलर लेमिना के लिए हमने एक्स सी एम कितना निकाला हुआ है, वो है 2a बाय 3, टू थर्ड ऑफ a, ये जो a है इसके तीन इक्वल पार्ट्स करेंगे, तब मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं कि इधर कहीं इस लाइन पर आएगा एक्स कोऑर्डिनेट 2a बाय 3 ओरिजिन से। अब निकालते हैं हम इसका वाई सी एम और फिर सेंटर ऑफ मास को लोकेट करेंगे, तो अब हमको फाइंड करना है वाई सी एम, तो एक्स सी एम 2a बाय 3 आ गया, आप चाहिए हमको वाई सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, उसके लिए इस तरह का एलिमेंट हम सपोज करेंगे, इसकी लेंथ है l और थिकनेस है dy, तो जब वाई कोऑर्डिनेट हमको निकालना हो सेंटर ऑफ मास का तो dy आना चाहिए, और dy तभी आएगा जब एलिमेंट हम इस तरह से लेंगे, ऐसा एलिमेंट लेने पर थिकनेस आई थी dx, तो डी वाई चाहिए इसलिए एलिमेंट को इस तरह से लिया हुआ है हमने, तो एल लेंथ डी वाई थिकनेस का ये एलिमेंट और इसका वाई कोऑर्डिनेट है वाई, तो इसका मास कितना होगा मतलब डी एम कितना होगा, एल डी वाई इंटू सिग्मा ये होगा डी एम, और उसी को हमको इस फॉर्मूले में यूज करना है, हम निकाल रहे हैं वाई सी एम, तो डायरेक्टली लिखे वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्या आना चाहिए यहाँ dm और y कोऑर्डिनेट, dm कितना है l सिग्मा dy, l सिग्मा dy ये dm हुआ और इसमें मल्टीप्लाई करना है y कोऑर्डिनेट का, तो इंटू y ऐसा लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा dm का इंटीग्रल, dm कितना है तो वो है l सिग्मा dy, लिमिट्स क्या होंगी 0 टू b, 0 टू b की लिमिट्स में से इंटीग्रेट करना है, अब फिर से सिग्मा हम हटा सकते हैं कांस्टेंट है बाहर आकर कैंसिल हो गया, और यहां दो वेरिएबल्स हैं एल और वाई, वाई को हम रखना चाहते हैं एल को हमको एलिमिनेट करना है, और साफ तौर पर ये ट्रायंगल छोटा और ये बड़ा ट्रायंगल ये सिमेट्रिक है और इसलिए साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो यहां लिखता हूं मैं सिंस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमेट्रिक और इसलिए छोटे ट्रायंगल का बेस मतलब L जैसे हमें एलिमिनेट करना है L अपॉन बड़े ट्रायंगल का बेस A
इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड, वो कितना होगा? तो वो होगा b माइनस y, और बड़े ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड वो होगा b के बराबर, यानी l की वैल्यू आ गई a इंटू 1 माइनस y बाय b के बराबर। और इसको हम यहां यूज करके फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखता हूं मैं l इज a 1 माइनस y बाय b, ये l का वैल्यू, इंटू y dy, और लिमिट्स याद रखें 0 टू b। और इसी तरह यहां इंटीग्रल a इंटू a टाइम्स 1 माइनस y बाय b dy, ये l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। तो अब यहां पर a क्या है, ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल कर कैंसिल भी कर सकते हैं। तो वेरिएबल रह गया सिर्फ y, लिमिट्स हैं 0 से b। अब आगे सॉल्व करें इसे, न्यूमरेटर में इन दो टर्म्स को स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। पहली टर्म क्या आएगी, इस y का अंदर मल्टीप्लिकेशन करने पर, यहां लिख देता हूं मैं क्या आएगा, 1 था यहां, यहां होगा y और यहां होगा y स्क्वायर। अब ये y मैं हटा देता हूं, और अब पहले इंटीग्रल y dy, उसके बाद इंटीग्रल y स्क्वायर बाय b dy, ऐसा लिखना पड़ेगा। सॉल्व करें आगे, तो y dy क्या होगा, y स्क्वायर बाय 2 यानी b स्क्वायर बाय 2, ये पहली टर्म का आंसर लिमिट्स पुट करने के बाद। सेकंड टर्म में क्योंकि लोअर लिमिट 0 है उसकी फिक्र करनी नहीं है। अब क्या आएगा यहां, y 3 अपॉन 3 यानी y क्यूब अपॉन 3b, और लिमिट्स पुट कर दिए इसलिए यहां पर मुझे लिखना है b, तो b क्यूब अपॉन 3b। आगे इसको सॉल्व करेंगे अभी। अब यहां 1 dy यानी y दैट इज b, फिर y बाय b dy यानी y 2 बाय 2 यानी b स्क्वायर अपॉन 2b, ऐसा हो जाएगा। अब ये एक b से ये एक b कैंसिल आउट हो गया, इसको हटाता हूं मैं, यहां लगा दिया मैंने स्क्वायर b स्क्वायर, और ये एक b और ये एक b कैंसिल हो गया, मतलब डिनोमिनेटर में तो वो बन गया b बाय 2। ऊपर क्या होगा, ऊपर b स्क्वायर कॉमन 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 अपॉन b बाय 2, और फिर इसे सॉल्व करें 6 आएगा एलसीएम, तो 1 बाय 6 आगे लिख रहा हूं मैं, ये b स्क्वायर बाय 6 और ये होगा 2 बाय b, रेसिप्रोकेट होकर एक b कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया b बाय 3। तो जिस तरह से xcm आया था 2a बाय 3, तो ycm भी आ गया, ycm कितना हो गया, ycm हो गया b बाय 3। तो डेरिवेशंस आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, अच्छा होगा यदि आप इसी तरह की लिस्ट बना लें, उनको बार बार देखें फॉर्मूलों को, तो ही वो आपको याद हो पाएंगे। तो 2a बाय 3 b बाय 3, यह a 2a बाय 3, 2a बाय 3 का मतलब 2/3 ऑफ a, इसके तीन हिस्से करेंगे बराबर, तो यहां होगा 2a बाय 3, ये 2a बाय 3, और यहां क्या करना है b बाय 3, तो b बाय 3 यानी तीन हिस्से इसके भी करें, तीन बराबर हिस्से और एक हिस्सा ले लें, तो यहां कहीं उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको थोड़ा सा हटाकर बना देते हैं, यहां पर, यहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2a बाय 3 कॉमा कॉमा b बाय 3, 2a बाय 3 कॉमा b बाय 3, किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर लैमिना के लिए। तो अभी नेक्स्ट केस करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पैराबोलिक प्लेट गिवन बाय द इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू kx एंड लेंथ ऑफ द प्लेट इज l। ये जो इक्वेशन बताई हुई है पैराबोलिक प्लेट की, एक्चुअली ये है उस पैराबोला के या पैराबोलिक प्लेट के बाउंड्री की इक्वेशन, y स्क्वायर इज इक्वल टू kx, और उस पैराबोलिक प्लेट की लेंथ है l, हमको उसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू kx, तो ऑब्वियसली वो ऐसा आएगा कर्व, कैसा है ये, x एक्सिस के सिमेट्रिक। तो ये बाउंड्री की इक्वेशन हमको दी हुई थी y स्क्वायर इज इक्वल टू kx, तो ये कर्व x से सिमेट्रिक होगा, ये है उसकी लेंथ, तो ये हमारा रेफरेंस फ्रेम हो गया, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, वो पैराबोलिक प्लेट इस तरह हम सपोज करेंगे। अब हमको चाहिए सेंटर ऑफ मास, तो क्या करें, तो
पहले तो ये सोचेंगे कि YCM तो जीरो मिलना है, YCM विल बी जीरो, सेंटर ऑफ मास X एक्सिस पर ही कहीं लाई करेगा, हमको चाहिए होगा XCM, XCM चाहिए और XCM का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, इंटीग्रल DM X, यानी पहले DM चाहिए, DM क्या हुआ है, एलिमेंट का मास, तो मान लिया कि यह है वो एलिमेंट, ये हाफ लेंथ है उसकी y, थिकनेस है dx और उसका x कोऑर्डिनेट है x, ऐसा हमने सपोज कर लिया, तो dm कितना होगा, dm होगा पहले निकालें एरिया, एरिया कितना आ जाएगा y dx, ये तो हाफ हुआ, इसमें 2 का और मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 2y dx, और मान लेते हैं कि सरफेस मास डेंसिटी है सिग्मा, तो इनटू सिग्मा किया तो ये आया dm, और इसमें x कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन इनटू x, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है किन लिमिट्स के बीच, फ्रॉम 0 टू l, ऐसा आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या होगा dm, dm इज 2y dx सिग्मा, लिमिट्स आर 0 टू l, अब इसमें से सिग्मा को आप हटा सकते हैं, सिग्मा कांस्टेंट है तो इन दोनों इंटीग्रल्स में से बाहर आकर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 भी आप चाहें तो इस 2 को भी हटा सकते हैं, 2 इज आल्सो कांस्टेंट, पर x और y ये दोनों वेरिएबल्स हैं, और दो वेरिएबल्स हैं तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां से, अब क्योंकि दिया हुआ है y स्क्वायर इज kx, तो y कितना होगा रूट ऑफ kx, कितना होगा वो y की जगह डाल देंगे अंडर रूट kx, तो उसमें से रूट के अलग लिखते हैं, x की पावर हाफ मान लेते हैं, मतलब रूट x को लिख लेते हैं x हाफ, एक ऑलरेडी x आ रहा है यहां तो x हो जाएगा पावर 3 बाई 2 dx, और ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में y की जगह क्या आएगा रूट के टाइम्स x टू दी पावर हाफ dx, लिमिट्स 0 टू l, यहां भी 0 टू l, अब k तो कांस्टेंट ही होगा ऑब्वियसली, वेरिएबल्स तो यहां x और y है, k कोई कांस्टेंट है तो इस इंटीग्रल से भी बाहर और इससे भी बाहर हो जाएगा, और अब इसका आंसर क्या होगा x 3 by 2 dx, मतलब x 5 by 2, x 5 by 2 upon 5 by 2, यानी 2 by 5 x 5 by 2, ये न्यूमरेटर में और लिमिट्स डालेंगे तो यहां l आ जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है, इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या होगा x हाफ मतलब l 3 by 2 और यहां होगा ये 2 by 3, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 by 5 into 3 by 2 ऐसा हो जाएगा, और इधर l की पावर 5 by 2 है, ये ऊपर जाएगा तो l 5 by 2 minus 3 by 2 यानि 2 by 2 यानि l बन गया वो, और ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचता है हमारे पास फाइनली ये हमारा आंसर होगा, यहां लिख रहा हूं मैं XCM is equals to 3L upon 5, और ये है सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 3L by 5, यानी ये जो L है इसके 5 बराबर हिस्से करेंगे और ओरिजिन से 3 हिस्से जब हो जाएंगे वहां पर लाई करेगा XCM, मतलब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तब तक हमने 10 केसेस में सेंटर ऑफ मास फाइंड किए हैं, आगे अभी हमको बहुत सारा काम और करना है, पर उसके पहले अब ये बोर्ड क्योंकि मेरा भर चुका है तो और मैं यहां लिख नहीं पाऊंगा, तो इसकी लिस्ट जरूर बना के रखें क्योंकि अभी हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन्हीं सब फॉर्मूलों पर बेस्ड, तो आपको फिर याद आ जाना चाहिए, आगे बढ़ेंगे, अब हम करेंगे हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास, फिर कोन का सेंटर ऑफ मास, तब ये नेक्स्ट केस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, एम मास और आर रेडियस का एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास हमको लोकेट करना है, स्टेप 1 क्या होती है, सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको फिक्स करना पड़ेगा इस सॉलिड हेमिस्फीयर के साथ, तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो ऑब्जर्वेशन से ही आप ये बता देंगे कि XCM और ZCM तो 0 है क्योंकि इस सॉलिड हेमिस्फीयर में मास डिस्ट्रीब्यूशन x एक्सिस और z एक्सिस के सिमेट्रिक है,
हमको सिर्फ फाइंड करना पड़ेगा YCM, और उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक एलिमेंट्री मास हमको कंसिडर करना पड़ेगा, उसके लिए हमने स्मॉल r रेडियस और डी वाई थिकनेस की एक डिस्क सपोज की, और इस डिस्क का y कोऑर्डिनेट है y सपोज। तो एलिमेंट्री मास इस डिस्क का कितना होगा डी एम, तो वो कैसे आएगा, तो इस डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस डी वाई, ये आ गया डी एम। और अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वाई सी एम इज इक्वल टू कितना इंटीग्रल, यहां क्या आता है डी एम, डी एम आएगा और साथ में क्या आएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो पाई आर स्क्वायर वाई डी वाई, ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डी एम यानी पाई आर स्क्वायर डी वाई ऐसा होगा। अब हमको यहां दिख रहे हैं दो वेरिएबल स्मॉल आर भी और वाई भी, तो एक किसी को हम नोन क्वांटिटीज की टर्म्स में एलिमिनेट करेंगे। तो उसके लिए आप इस ट्राइंगल में आएंगे, यदि ये राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल में ये कितना है कैपिटल आर, तो स्मॉल आर को हम क्या लिख सकते हैं, तो स्मॉल आर हम लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो यदि स्मॉल आर यहां ये सब्स्टिट्यूट कर ले तो स्मॉल आर एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब वाई की टर्म्स में हमने लिख दिया। अब लिमिट्स क्या होंगी, तो ये जो डिस्क है वो जीरो से आर तक हम फैली हुई सपोज कर सकते हैं, तो जीरो से कैपिटल आर की लिमिट्स में हमको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो पहले सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक वाई और ऑलरेडी आ रहा है डी वाई, और ये इंटीग्रल जीरो टू आर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में तो यहां लिख देते हैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और अब इसे सॉल्व करेंगे तो पाई की तो जरूरत नहीं है, पाई तो कांस्टेंट है, ऊपर न्यूमरेटर में से भी बाहर इस इंटीग्रल से इससे भी बाहर आकर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं हम, पहली टर्म क्या आएगी आर स्क्वायर वाई डी वाई, आर स्क्वायर वाई डी वाई, तो उसमें से आर स्क्वायर बाहर आएगा और वाई डी वाई बनेगा वाई स्क्वायर बाय टू, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर स्क्वायर बाय टू, यानी इसको मैं लिख सकता हूं आर फोर बाय टू, आर फोर बाय टू माइनस दूसरी टर्म आएगी वाई क्यूब डी वाई, यानी वाई पावर फोर अपॉन फोर, लिमिट्स डालने पर आर फोर अपॉन फोर हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया न्यूमरेटर, इसी तरह डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर डी वाई है तो आर स्क्वायर बाहर और एक आएगा वाई, लिमिट्स आएंगी तो वो आर बन जाएगा, यानी ये हो गया आर क्यूब्ड माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, यानी वाई थ्री बाई थ्री यानी आर क्यूब अपॉन थ्री, ये हमारा निकल कर आया वाई सी एम। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये फाइनल जो फॉर्मूला है मतलब लोकेशन सेंटर ऑफ मास का, ये इंपॉर्टेंटली हमको याद रखना है, ना केवल इस केस में बल्कि सभी केसेस में। तो ये कितना होगा आर फोर बाय टू माइनस आर फोर बाय फोर, यानी आर फोर बाय फोर बचेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाई थ्री यानी टू आर क्यूब बाई थ्री, और वो रेसिप्रोकेट होकर थ्री अपॉन टू आर क्यूब्ड। तो एक आर सिर्फ न्यूमरेटर में बच रहा है, तो हमारे पास आ गया थ्री आर बाय एट। यह है वाई सी एम ऑफ सॉलिड हेमीस्फियर। सॉलिड हेमीस्फियर को सॉल्व करना जरा आसान होता है रिलेटिवली हॉलो हेमीस्फियर से, क्योंकि ये जो पार्ट होता है, ये जो छोटा सा यहां पर दिख रहा है आपको टेपर्ड हिस्सा, ये टेपर्ड पार्ट, इसको हम इग्नोर कर देते हैं इन केस ऑफ सॉलिड हेमीस्फियर, पर इसको हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे किसी हॉलो हेमीस्फियर में, तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है, ये बहुत आसान है। यानी इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हुए, सॉलिड हेमीस्फियर के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो गए जीरो, फिर थ्री आर बाई एट और जीरो, तो इसमें सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा नॉन जीरो, और थ्री आर बाई एट उसको याद रखना चाहिए। दूसरी बात, ये जो आया है हमारे पास में पोजीशन लोकेशन सेंटर ऑफ मास का, ये हेमीस्फियर के बेस से है, फ्रॉम बेस इट इज थ्री आर बाई एट, तो इसको भी हम हमारी लिस्ट में शामिल कर देते हैं। पैराबोलिक प्लेट भी आपको मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, उसको भी याद रखना है, उसके ऊपर एक अभी हम प्रॉब्लम भी करेंगे। तो सॉलिड हेमीस्फियर के लिए, सॉलिड हेमीस्फियर के लिए याद क्या रखना है,
हमको सिर्फ याद रखना है 3R/8 फ्रॉम द बेस. अब ये नेक्स्ट केस करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर. इसके पहले हमने सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास लोकेट किया, तो याद रखना इट इज एट अ डिस्टेंस 3R/8 फ्रॉम द बेस. अब हम कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास किसी हॉलो हेमिस्फीयर का जिसका मास है m और रेडियस है कैपिटल R. स्टेप वन क्या होती है, सबसे पहले रेफरेंस फ्रेम या कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको अटैच करना पड़ेगा. तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस. अब सिमेट्री से ही पता लग रहा है कि एक्स सी एम और जेड सी एम ये दोनों जीरो होंगे क्योंकि होलो हेमिस्फीयर में मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से सिमेट्रिक है. यानी एक्स सी एम जेड सी एम हमको फाइंड नहीं करना है, हमको फाइंड करना है सिर्फ वाई सी एम, और उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. तो एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, तो एलिमेंट हम क्या चूज करेंगे, स्मॉल आर रेडियस और डी वाई थिकनेस की एक रिंग, और इसकी पोजीशन क्या है ओरिजिन से वाई डिस्टेंस पर. तो ये हमने कंसिडर किया एक रिंग, तो इस रिंग का हमको मास निकालना पड़ेगा. ये है हमारा एलिमेंट, एलिमेंट का मास कितना होगा, तो मास के लिए रेडियस आर है इस रिंग की, तो सरकमफेरेंस होगा 2πr टाइम्स डी वाई. ये हुआ एरिया, और मास पर यूनिट एरिया हमको सपोज करना पड़ेगा. होलो हेमिस्फीयर है तो सरफेस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सरफेस मास डेंसिटी हम सपोज कर लेते हैं सिग्मा है. तो ये हुआ dm, और ये जो एलिमेंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसका y कोऑर्डिनेट ही हमें चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट हमने y सपोज कर रखा है, और फॉर्मूला हमको ये लगा देना है. तो वाई सी एम कितना लिखूं मैं, तो इसको लिखना होगा इंटीग्रल 2πr सिग्मा और y कोऑर्डिनेट साथ में डी वाई अपॉन इंटीग्रल 2πr सिग्मा डी वाई. लिमिट्स क्या होंगी, तो आप यहां देख रहे हैं कि एंगुलर पोजीशन हमने थीटा सपोज करी हुई है, और इस रिंग की विड्थ डी वाई ये एंगल सबटेंड कर रही है डी थीटा, तो थीटा है एंगुलर पोजीशन. तो लिमिट क्या होंगी, लिमिट्स होंगी π/2 to 0, π/2 से 0 की लिमिट्स में हमको इन दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करना पड़ेगा. अब उसके पहले क्या करें, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. dy को हम क्या लिख सकते हैं, तो dy r क्या, तो dy इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं r d थीटा, रेडियस इनटू एंगल. एक ट्रांसफॉर्मेशन हम ये करेंगे. उसके अलावा हम y और r को क्या लिख सकते हैं, ये राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल यदि है तो स्मॉल आर क्या है, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, तो स्मॉल आर को हम लिख सकते हैं कैपिटल आर साइन थीटा, और वाई को हम लिख सकते हैं कैपिटल आर कॉस थीटा. ऐसा करने से होगा क्या, आर वाई और डी वाई ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम आर थीटा की टर्म्स में क्वांटिटीज आ जाएंगी. उसके पहले इस 2π की यहाँ जरूरत नहीं है, ये दोनों इंटीग्रल से बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है, सिमिलरली होमोजीनियस है डेंसिटी, ये भी बाहर. अब यहां पर सिर्फ हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ऊपर क्या आएगा, स्मॉल आर इंटू वाई यानी आर स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा, और डी वाई को हम क्या लिखेंगे, डी वाई इज आर डी थीटा. तो ये आर क्यूब कर देता हूं मैं इसको डी थीटा, और डिनोमिनेटर में स्मॉल आर इज आर साइन थीटा, डी वाई कितना है, डी वाई इज आर डी थीटा यानी आर स्क्वेयर डी थीटा. ऐसा हो जाएगा लिमिट्स π/2 से 0. अब ये भी कांस्टेंट है, आर क्यूब आर स्क्वेयर ये दोनों बाहर आएंगे, और एक आर सिर्फ बाहर बचा रहेगा, और अंदर इस इंटीग्रल की वैल्यू हमको फाइंड करना होगी साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा π/2 to 0, और नीचे तो ये होगा साइन थीटा डी थीटा π/2 to 0. इनको हमको इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसमें आप साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा -1 और इसको आना है -1, यानी आर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है -1 और ये आएगा -1,
तो फाइनली ये हो गया R by 2 और ये हमको क्या मिला है, तो ये मिला है हमको YCM, यानी सेंटर ऑफ मास किसी हॉलो हेमिस्फीयर का होता है R by 2 पर। तो ध्यान से देख लेना चाहिए, ये था 3R by 8 और ये हॉलो हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर के लिए बेस से R by 2, हॉलो हेमिस्फीयर इट इज R by 2 फ्रॉम द बेस। तो न्यूमेरिकल्स में हम डायरेक्ट इनको यूज करेंगे, इन वैल्यूज को, इन लोकेशंस को। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ऐसी एक लिस्ट बना लेंगे तो प्रॉब्लम्स करने में आसानी होगी, क्योंकि एग्जाम में हम ये सब डेरिवेशंस नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अब करेंगे हम कोन के लिए सेंटर ऑफ मास। तो अब ये नेक्स्ट केस करते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। ये राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है h, रेडियस है कैपिटल R। हमको चाहिए सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ऑब्वियसली XCM और ZCM ये दोनों जीरो होंगे, हमको फाइंड करना है सिर्फ YCM। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो YCM फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर चाहिए हमको DM। अब एलिमेंट क्या होगा, तो हमने कंसिडर किया है स्मॉल r रेडियस और dy थिकनेस की रिंग, और ये है इसकी पोजीशन y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एलिमेंट विच इज अ डिस्क। तो ऊपर dm कितना होगा, पायर स्क्वायर उस डिस्क का एरिया, dy इज थिकनेस। तो ये क्या हुआ, ये हुआ वॉल्यूम, और इसमें रो का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, और इसका y कोऑर्डिनेट, तो ये होगा न्यूमरेटर dm इंटू y, और नीचे पायर स्क्वायर dy टाइम्स रो। लिमिट्स क्या आएंगी, तो ऐसी ये डिस्क जीरो से h तक फैली हुई है, जीरो टू h की लिमिट्स में हमको इन दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है। अब इसमें रो की तो जरूरत नहीं है, इसको हटा सकते हैं हम, कांस्टेंट है, बाहर आकर कैंसिल। पाई की भी जरूरत नहीं है, पाई को भी हम हटा देते हैं। ये बचता है r स्क्वायर dy इंटू y और नीचे r स्क्वायर dy। अब दो वेरिएबल्स हैं, इसमें से हम r को यहां से एलिमिनेट करेंगे, और उसके लिए क्या करें, हम इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे, एक ये छोटा ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल। मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, इन दो ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करेंगे, ये स्मॉल r और ये कैपिटल R। ये एंगल अल्फा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल्स, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये सिमेट्रिक है, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो छोटे ट्रायंगल का बेस R अपॉन बड़े ट्रायंगल का बेस इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की ये हाइट y, और ये कितना होगा बड़े ट्रायंगल का हाइट, वो है h। तो यहां से हमको मिल जाएगा r का वैल्यू, तो r कितना हुआ, r इज y कैपिटल R अपॉन h, और ये यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो YCM इज इक्वल टू इंटीग्रल, ऊपर क्या होगा r स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ये r स्क्वायर का वैल्यू, एक y और आ रहा है, तो ये हो जाएगा y क्यूब्ड इंटू डी वाई, ऐसा होगा, और डिनोमिनेटर में r स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर टाइम्स डी वाई, और लिमिट्स क्या हैं, लिमिट्स हैं 0 टू h। अब इसमें से क्या कांस्टेंट है, r स्क्वायर, ये कांस्टेंट होगा, r स्क्वायर मतलब उस गिवन कोन का रेडियस, इसको हम बाहर कर सकते हैं, इसे भी बाहर करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। h इस कोन की हाइट है, तो इसको भी हटा सकते हैं हम, बाहर करेंगे, इसको भी बाहर करेंगे कांस्टेंट होने की वजह से, तो सिर्फ इंटीग्रल में ये क्वांटिटीज बच जाएंगी, y क्यूब dy, y 4 by 4, y 4 upon 4, और लिमिट्स पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, h पावर 4 अपॉन 4, और नीचे क्या होगा, y स्क्वायर dy ने y क्यूब बाई 3, तो 3 अपॉन h क्यूब ये हो जाएगा। तो यहां सिर्फ एक h बचता है, फाइनल हमारा आंसर हो गया 3h बाय 4। ये आया है YCM, मतलब इस वर्टेक्स से इस कोन के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हो जाएगी 3h अपॉन 4। तो ऑब्वियसली बेस से कितना होगा, ये बेस से सेंटर ऑफ मास हो जाएगा h बाय 4। इसमें से जनरली ये लिखा होता है बुक्स में h बाय 4 फ्रॉम द बेस, हमको भी इसी तरह याद रखना है, यानी सॉलिड यदि कोन है तो उसका सेंटर ऑफ मास
बेस से h बाय 4 की हाइट पर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिस्ट में, अभी बात हो रही है किसी सॉलिड कोन की, अनलेस स्टेटेड वो कोन राइट सर्कुलर कोन है, और कहाँ होता है उसका सेंटर ऑफ मास, h बाय 4 फ्रॉम द बेस, h बाय 4 फ्रॉम द बेस। अब हम बात करेंगे किसी हॉलो कोन की, तो अब ये नेक्स्ट केस करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर कोन, एच हाइट और कैपिटल आर रेडियस का ये हॉलो राइट सर्कुलर कोन है, इसका हमको चाहिए सेंटर ऑफ मास। यह है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियरली एक्स सी एम और जेड सी एम जीरो होंगे, हमको सिर्फ फाइंड करना है वाई सी एम। अब वाई सी एम फाइंड करने के लिए एलिमेंट क्या लेंगे, तो यहाँ एक रिंग सपोज करेंगे, स्मॉल आर रेडियस, और ये जो स्लांटिंग लेंथ दिख रही है आपको डी एल, लेंथ डी एल और आर रेडियस का, और इस रिंग की पोजीशन क्या है, तो उसकी पोजीशन है वाई फ्रॉम द ओरिजिन। अब इस ट्राइंगल पे ध्यान दें, यहाँ जो फॉर्म हो रहा है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ उसको, ये लेंथ है डी एल, इसको हम सपोज कर सकते हैं डी वाई, ये एंगल होगा अल्फा। तो डी वाई और डी एल में क्या रिलेशनशिप होगा, तो ये राइट ट्राइंगल है, ये उसका बेस हो जाएगा, और बेस इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज कॉस अल्फा। तो जरूरत पड़ने पर इसे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे डी वाई को। अब ये जो एलिमेंट है इसका मास कितना होगा, फॉर्मूला हमको लगाना है ये वाला, उसमें चाहिए हमको डी एम, डी एम कैसे आएगा, डी एम मतलब इस एलिमेंट का मास, तो इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और थिकनेस डी एल ले रहे हैं, ये स्लांटिंग वाली डी एल ले रहे हैं इसको, क्योंकि इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे हम हॉलो राइट सर्कुलर कोन के केस में, तो 2 पाई आर इंटू डी एल इंटू सिग्मा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट ये होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 पाई आर, सिग्मा हम पहले लिख लेते हैं, इंटू डी एल, लिमिट्स क्या आएंगी, तो इस तरह की रिंग्स फैली हुई हैं फ्रॉम 0 टू h, तो 0 से h की लिमिट्स में से इंटीग्रेट करना है। अब इसमें से हम 2 पाई न्यूमरेटर में से बाहर आएगा बीइंग कांस्टेंट, इसी तरह डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, सेम इज ट्रू विद सिग्मा। अब यहाँ कुछ हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो इस छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं, तो छोटे ट्रायंगल का बेस बड़े ट्रायंगल का बेस इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की हाइट अपॉन बड़े ट्रायंगल की हाइट, यहाँ से हमको स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगी जो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो स्मॉल आर कितना होगा वाई कैपिटल आर अपॉन एच, तो वाई के टर्म्स में हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया। इसी तरह से यहाँ पर डी एल को हमको सब्स्टिट्यूट करना है, डी एल कितना हो जाएगा, डी एल हो जाएगा डी वाई अपॉन कॉस अल्फा, तो y की टर्म्स में हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह कर रहे हैं कि r भी y की टर्म्स में आ जाए और डी एल भी, तो डी एल ये लेना है हमें और r ये लेना है, ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल स्मॉल r विच इज y कैपिटल r अपॉन h, ये स्मॉल r इंटू y, तो एक y और आ जाएगा यहाँ, वाई स्क्वेयर बन गया, इंटू डी एल, और डी एल को क्या लिख सकते हैं डी वाई अपॉन कॉस अल्फा, और लिमिट्स हैं 0 टू h, ये न्यूमरेटर की बात, डिनोमिनेटर में स्मॉल r, स्मॉल r इज y कैपिटल r अपॉन h इंटू डी एल, एंड डी एल इज डी वाई अपॉन कॉस अल्फा, 0 से h की लिमिट्स। अब इसमें से बहुत सारी क्वांटिटीज तो कॉन्स्टेंट हैं, जैसे कैपिटल R H ये कांस्टेंट है, ये इस इंटीग्रल से बाहर आएगा यहाँ से भी और कैंसिल आउट हो गया, सेम इज ट्रू विद कॉस अल्फा, अल्फा भी कांस्टेंट है ये भी बाहर, मतलब हमारा इंटीग्रल सिर्फ ऐसा बच गया, न्यूमरेटर में क्या होगा वाई क्यूब बाई 3, इसका आंसर लिमिट्स पुट करने पर एच क्यूब्ड बाई 3, और डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ एक एच बचता है, फाइनल आंसर है 2h/3, पर ये आया कहाँ से है, तो ये वर्टेक्स से है, इसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमने निकाली है, मतलब y ये कितना निकाला है 2h/3, y जरूरी नहीं है, वर्टेक्स से 2h/3, तो ऊपर से कितना, मतलब बेस से कितना हो जाएगा h-2h/3, यानी वो हो जाएगा h/3,
तो हॉलो कोन के लिए क्या याद रखेंगे? जैसे हमने याद रखा था सॉलिड कोन के लिए बेस से h बाई फोर, वैसे यहां याद रखना है, यहां लिख देता हूं, यहां स्पेस है। तो कहां पर होता है ये? हॉलो कोन के लिए, और दोनों बार वो कोन कैसा होगा? राइट सर्कुलर। हॉलो कोन के लिए बेस से h बाई थ्री पर, h बाई थ्री फ्रॉम द बेस। तो ये सब लिस्ट अब आपको लिख लेनी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिनमें इस नॉलेज को हम यूज करेंगे। यदि आपको डिफरेंट बॉडीज के सेंटर्स ऑफ मासेस मालूम है, कहाँ लोकेट होते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगी। पहली प्रॉब्लम, अ कारपेंटर कंस्ट्रक्टेड अ टॉय एज शोन, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 12 टाइम्स दैट ऑफ कोन, लोकेट सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओ। तो कंपोजिट सिस्टम है जिसमें दो सॉलिड बॉडीज यूज हुई हैं, एक है स्फीयर जिसका डायमीटर है 2r, एक है कोन जिसके बेस की रेडियस है 2r और हाइट है 4r। हमको इस कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, उसकी डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम ओ। तो ओ को ओरिजिन बना लेंगे, ये होगी x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो सिमेट्री से मालूम चल रहा है कि एक्स सी एम तो जीरो होगा, जेड सी एम भी जीरो होगा, सिर्फ वाई सी एम ही नॉन जीरो होगा, और वही हमको पता करना है। तो ये दो सॉलिड बॉडीज हैं जिनको वेल्ड किया हुआ है स्टॉय में। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले अलग अलग दोनों बॉडीज के सेंटर ऑफ मासेस लोकेट करेंगे। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। तो ये है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो इसकी डिस्टेंस ओ से कितनी होगी? तो ये है 4r, ये r यानी 5r, ये हो गया y कोऑर्डिनेट इस स्फीयर के सेंटर ऑफ मास का। और ये है सॉलिड कोन, तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? h बाई फोर फ्रॉम द बेस। तो ये h बाई फोर यानी हाइट अपॉन 4, 4r अपॉन 4 यानी r, ये है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोन। अब दोनों के मासेस पता करेंगे। उसके पहले यहाँ बोला हुआ है डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 12 टाइम्स दैट ऑफ कोन। तो कोन के मटेरियल की डेंसिटी d सपोज कर लें, तो 12d होगी डेंसिटी स्फीयर के मटेरियल की। स्फीयर का फिर मास निकाल लेंगे और उसे यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा सपोज कर लेंगे। सिमिलरली कोन का मास निकाल कर सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा मान लेंगे। ऐसा करने से आपको क्या हो रहा है? दो, ये जो प्रॉब्लम है ये टू पॉइंट मासेस की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। सिर्फ हम ये कहेंगे कि दो मासेस हैं MS और MC, और वो सिचुएटेड कहाँ है वो भी आपको पता है। तो टू पार्टिकल सिस्टम की प्रॉब्लम में ये कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे YCM is equals to M1Y1 plus M2Y2 upon M1 plus M2। तो मासेस निकालते हैं पहले इनके। स्फीयर का मास, उसका वॉल्यूम, रेडियस उसकी r ही है, तो उसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू 12d, ये हुआ मास स्फीयर का। आप कोन का मास निकालते हैं, 1/3 पाए r स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर, 4r स्क्वायर इंटू h जो है 4r, यानी कितना हो जाएगा 16r क्यूब इंटू डेंसिटी, इंटू डेंसिटी d है। तो ये मासेस आ गए। अब सीधे फॉर्मूला लगा देंगे YCM is equal to, न्यूमरेटर में ये मास पहले, स्फीयर का 4/3 पाए आर क्यूब इंटू 12d ये आएगा, और इसका y कोऑर्डिनेट स्फीयर के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट मतलब इंटू 5r प्लस ये आएगा मास, ये कोन का मास और कोन के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट मतलब r अपॉन दोनों मासेस का एडिशन, 12d प्लस 1/3 पाए 16 r क्यूब टाइम्स d। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें से बहुत सारी क्वांटिटीज तो कॉमन आकर कैंसिल होने वाली हैं, जैसे ये पाए, ये पाए, ये पाए भी कैंसिल, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ये 1/3 1/3, ये भी 3 हटेगा यहाँ से, ये भी हट जाएगा, d भी कैंसिल आउट हो जाएगा, d भी कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा। तो ज़्यादातर क्वांटिटीज कैंसिल हो रही हैं।
फिर ऊपर R4 यहाँ R cube है, तो R cube common कर लेंगे न्यूमरेटर में से, तो यहाँ सिर्फ एक R बचेगा और यहाँ एक R बचेगा, तो R cube cancel। फिर आप चाहें तो इसमें से 4 भी बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से 4 common, यहाँ बचेगा 4, यहाँ 4 बचेगा और ये 4 हट जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में हो रहा है 16 और ऊपर क्या होगा 64R, तो ये 4R आ गया और यही है लोकेशन सेंटर ऑफ मास की फ्रॉम O, और यही हमारा आंसर है। 4R मतलब यहाँ पर जहाँ पर ये वेल्ड हुई है, जहाँ ये दोनों बॉडीज वेल्ड हुई हैं उस पॉइंट पर होगा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ये उसका आंसर है। तब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ यूनिफॉर्म सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस R इज जॉइंड टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस R एंड ऑफ सेम डेंसिटी सो एज टू हैव अ कॉमन फेस। इसकी बात हो रही है, ये यूनिफॉर्म सॉलिड राइट सर्कुलर कोन जिसकी बेस रेडियस है R और इसको ज्वाइन किया है किसी यूनिफॉर्म सॉलिड हेमीस्फीयर से, उसकी भी रेडियस है R। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंपोजिट सॉलिड लाइज ऑन द कॉमन फेस, कॉमन फेस पर ही लाई कर रहा है इस कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि स्मॉल बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास ये कोइंसाइड होते हैं, तो यहाँ है सेंटर ऑफ मास इस कंपोजिट सिस्टम का, हमको बताना है कोन की हाइट कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि हाइट है कोन की h, तो कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा उसको लोकेट करेंगे। उसके पहले इसको ओरिजिन बनाकर O को, इसको मान लेते हैं x एक्सिस, इसको मान लेते हैं y एक्सिस, तो कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, h/4 पर, बेस से h/4, तो ये कोन के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हो गया। और इस हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, बेस से 3r/8 पर, तो रेडियस है इसकी r, तो यहाँ कहीं होगा उसका सेंटर ऑफ मास, और ये उसका y कोऑर्डिनेट क्योंकि डाउनवर्ड्स है इसलिए माइनस ले लेंगे, ये नेगेटिव y है, तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको दोनों के सेंटर ऑफ मास के। और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, YCM इज इक्वल टू M1Y1 प्लस M2Y2 अपॉन M1 प्लस M2, और हमसे बोला हुआ है कि कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कॉमन फेस पर लाई कर रहा है, मतलब ये जीरो है और ये जीरो है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सिर्फ हमको इसे सॉल्व करना है। M1 मतलब मास ऑफ वन कौन है, मान लो ये है वन कौन, तो उसका मास और डेंसिटी तो सेम है, सिर्फ आप वॉल्यूम भी ले सकते हैं, तो 1/3 πr² h, ये हुआ m1 इंटू y1, y1 ले लेते हैं h/4 पॉजिटिव, और इसको लेंगे नेगेटिव y2 को -3r/8 और उसको RHS में ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तब मास चाहिए हेमीस्फीयर का 2/3 πr³, ये हुआ उसका वॉल्यूम, डेंसिटी कॉमन है सेम है कैंसिल आउट हो गई है, और अब इसमें इसका वाई कोऑर्डिनेट जो कितना है 3r/8, और इसको हमें सॉल्व कर देना है h के लिए इसको सॉल्व करना है, तो पाई कैंसिल आउट हो रहा है, ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके अलावा ये 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो इधर सिर्फ बच रहा है 3r4 और ये r² है, तो यहाँ बचेगा 3r² इज इक्वल टू h², हमको h चाहिए तो h हो गया r√3 के बराबर, यही हमारा आंसर है, मतलब उस कोन की हाइट है r√3 एंड सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ थिन यूनिफॉर्म शीट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज कट इनटू द शेप बाउंडेड बाय द लाइन x = a एंड y = ±kx² एज शोन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये एक प्लेन लैमिना दिया हुआ है हमको जिसके बाउंड्री की इक्वेशंस दी हैं, ये है x = a, ये y = +kx², ये y = -kx², हमको बताना है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। ये एक्स वाई प्लेन में है लैमिना, सिमेट्री से आप बता सकते हैं कि YCM तो जीरो होगा, हमको फाइंड करना है सिर्फ XCM, और XCM निकालने के लिए हम dx थिकनेस और ये लेंथ हम मान लेते हैं y, तो ऐसा एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसका x कोऑर्डिनेट है मान लो x,
और फॉर्मूला ये यूज करेंगे, एक्स सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऊपर क्या आएगा डी एम, डी एम कितना होगा ये टोटल लेंथ 2y, तो 2y dx ये एरिया और मास डेंसिटी हम सिग्मा सपोज कर लेते हैं 2y dx सिग्मा और इसका x कोऑर्डिनेट, ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2y dx सिग्मा और लिमिट्स क्या आएंगी फ्रॉम 0 टू a, इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं y और x और यहाँ ऑपरेटर यानी x के रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है, इसलिए हम इस y को एलिमिनेट कर देंगे, y को हम डाल देंगे k x स्क्वायर यहाँ पर, तो पुट y इक्वल्स टू k x स्क्वायर, तो क्या करें यहाँ आने लगेगा 2y, y की जगह k x स्क्वायर तो 2k x स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ x आ रहा है तो बन जाएगा x क्यूब सिग्मा डी एक्स अपॉन यहाँ भी यही होगा 2y is kx स्क्वायर सिग्मा टाइम्स dx लिमिट्स हैं 0 से a की। तो अब इसमें से ये k तो कांस्टेंट है ये बाहर आकर कैंसिल 2 भी इसी तरह सिग्मा भी तो यहाँ से भी सिग्मा k और 2 ये सब हटा दिए x क्यूब dx, x क्यूब dx मतलब x 4 by 4 और लिमिट सब्सटीट्यूट करने पर a 4 by 4 ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा x क्यूब बाई 3 जो रेसिप्रोकेट होकर 3 अपॉन a क्यूब बन जाएगा तो फाइनली बच रहा है हमारे पास में 3a बाय 4 और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है ये है एक्स सी एम और वाई सी एम वो तो ऑलरेडी 0 हम कह चुके हैं सिमेट्री से तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।